तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ आयरलैंड वर्सेस अफगानिस्तान के बीच जो 5 T20 मैचेस की सीरीज खेली जाएगी जो कि आज से स्टार्ट हो रही। तो भाई इसका जो आज के दिन का पहला मैच खेला जाएगा जो कि खेला जाएगा आयरलैंड वर्सेज अफगानिस्तान के बीच में, तो इन दोनों ही टीम्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। बिल्कुल भाई लॉजिकल एनालिसिस के साथ ये वीडियो आपके लिए आने वाले हैं। यहाँ पर भाई ज्यादा स्टैट्स की बात नहीं होगी, यहाँ पर बात होगी सिर्फ और सिर्फ भाई जो डिफरेंशियल पिक्स रहेंगे वो क्यों रहेंगे, कैसे रहेंगे और कौन से प्लेयर्स आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा भाई आपको वीडियो को अगर लाइक नहीं किया ना आपने वीडियो को, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा क्योंकि आपका एक एक लाइक काफी ज्यादा मोटिवेट करता है आपके लिए और ज्यादा मेहनत करके अच्छी अच्छी वीडियोज बनाने के लिए। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा जहां पर आप जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और यहीं पर भाई आपको इस मैच की फाइनल टीम मिलने वाली है, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर बात करें भाई कल के मैचेस के रिजल्ट्स की तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये भाई कल के मैचेस के रिजल्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैंने सारे रिजल्ट शेयर कर दिए थे, आप भी जाकर भाई देख सकते हो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा क्योंकि जो भी मेरी फाइनल टीम होगी ना, फाइनल अपडेट होगी, वो आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल भाई जरूर से जरूर आपको ज्वाइन कर लेना है। अब अगर बात करें भाई यहाँ पर मैच की, तो मैच की सबसे पहले टाइमिंग की बात करेंगे। टाइमिंग की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो टाइमिंग रहेगी वो रहेगी भाई यहाँ पर रात को 8 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। वहीं अगर बात करें भाई यहाँ पर मैच की, तो भाई मैच की अगर बात करें स्क्वाड की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों टीम्स की स्क्वाड आपके सामने है। अब अगर बात करें भाई यहाँ पर एक एक प्लेयर के बारे में, तो यहाँ पर देखिए बैटिंग ऑर्डर के साथ साथ मैं आपको बताता चाहूँगा कौन सा प्लेयर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो जो सबसे पहले भाई आयरलैंड की बात कर लेते हैं, तो इनकी तरफ से भाई अगर यहाँ से बात करें बालबरिन की, तो आपको ओपनिंग करते दिखेंगे स्टिर्लिंग के साथ। इसके अलावा भाई वन डाउन अगर बैट्समैन की बात करें, तो या तो भाई आप यहाँ पर एरिक टेक्टर को एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा भाई यहाँ पर कभी कभी क्या हो रहा है कि लॉरेंट टकर को भी अब ऊपर प्रमोट किया जा रहा है, तो ये भी यहाँ पर बैटिंग करते नजर आ सकते हो, तो आप इनको भी मान सकते हो कि ये भी टॉप ऑर्डर में खेलते नजर आएंगे। वही अगर बात करें यहाँ पर जो डेनली की, तो भाई ये नंबर 5 पर आपको खेलते नजर आएंगे मोस्टली मैचेस में। नंबर 3-4 पर आपको यही जो टॉप 4 है यही खेलते नजर आएंगे। नंबर 5 पर भाई आपको जो गैरेथ डेनली, ये भाई आपको खेलते नजर आएंगे। और इसके अलावा भाई देखिए इनका क्या रोल रहेगा, इनका भाई रोल ये रहेगा कि ये 2 से 3 ओवर की गेंदबाजी करके देंगे, प्लस भाई यहाँ पर आपको अच्छी खासी बैटिंग भी करके दे देंगे। अब यहाँ पर इनके साथ क्या बात जा रही है और इनके अगेंस्ट में क्या बात जा रही है भाई, यहाँ पर अगर इनकी बॉलिंग की बात करें तो इतने ज्यादा इंपैक्टफुल बॉलिंग नहीं करते, लेकिन भाई फिर भी रिसेंटली मैचेज में जो अभी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में इनकी सीरीज चली थी ना, उसमें भाई इन्होंने काफी अच्छे विकेट निकाले थे। 2 मैच में भाई 4 विकेट इन्होंने निकाल लिए थे, वो भी सिर्फ 7 ओवर डाल के, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। और भाई अब इनके पहले मैच में देखिए इन्होंने 2 विकेट निकाली, उसके बाद भाई इनके ओवर्स बढ़े अगले मैच में, भाई इन्होंने कंप्लीट 4 ओवर डाले और वहां पर भाई इन्होंने 2 विकेट निकाली। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ये अफगानिस्तान के अगेंस्ट में इतने इफेक्टिव रहेंगे, और यहाँ पर भाई कर्टिस कैंपर को ज्यादा ओवर देने जाने चाहिए क्योंकि लास्ट सीरीज में इन्हें बहुत ही कम ओवर मिले, तो आप इनको ज्यादा प्रीफर कर सकते हो अगर कंपेयर करें डेनली के। तो लेकिन भाई सिलेक्शन किसका ज्यादा मिलेगा, सिलेक्शन भाई मेरे हिसाब से डेनली का ज्यादा मिलना चाहिए क्योंकि रिसेंटली भाई इनके अगेंस्ट में मतलब इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। क्यों? क्योंकि भाई कर्टिस कैंपर के ओवर कट हो रहे हैं। बात करें अगर लास्ट मैच की, तो इन्हें 1 भी ओवर नहीं मिला। अगर बात करें सेकंड लास्ट मैच की, तो भाई वहां पर इन्हें 2 ओवर मिले थे, पता नहीं 1 ओवर मिला था, ऐसा कुछ ही था, बट इन्हें ओवर काफी कम मिल रहे हैं। जॉर्ज डॉगरेल की बात करें भाई, कंपलसरी 3 से 4 ओवर कंप्लीट बॉलिंग करेगा, स्पिन गेंदबाजी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, सेकंड इनिंग में मस्टर पिक रहेगा, फर्स्ट इनिंग में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, बट थोड़ा सा अगर आप रिस्क लेना चाहो तो फर्स्ट इनिंग में फिर भी आप इन्हें ड्रॉप कर सकते हो। मार्क एडर मस्टर पिक स्टार्टिंग में बॉलिंग करेगा, डेथ में बॉलिंग करेगा, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। फर्स्ट इनिंग में अगर बॉलिंग आए तो भाई आप इसे ग्रैंड लीग में CVC भी ट्राई कर सकते हो। एंडी मैकब्रिन की बात करें, तो रिसेंटली बॉलिंग की बात करें तो अच्छी खासी कर रहा है, ठीक ठाक प्लेयर रहेगा, जीएल मिनी जीएल के हिसाब से ज्यादा अच्छा रहेगा, स्मॉलिंग में ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। बैरी मैकार्थी शायद आपको ना खेलता नजर आए। वहीं अगर बात करें जोशुआ लिटिल की, तो ये अगर आपको खेलते नजर आएंगे फर्स्ट इनिंग में मस्टर पिक, सेकंड इनिंग में थोड़ा सा एवरेज पिक रहेगा, ड्रॉप कर सकते हो। सेकंड इनिंग में क्रेग यंग अगेन भाई फर्स्ट इनिंग में इंपॉर्टेंट, सेकंड इनिंग में थोड़ा सा एवरेज पिक रहेगा, ड्रॉप कर सकते हो। यहाँ से मार्क एंडर की बात करें, भाई इन्हें आपको दोनों इनिंग में ट्राई करना, फर्स्ट इनिंग या सेकंड इनिंग में। अब अगर बात करें अफगानिस्तान की टीम की, तो यहाँ पर भाई जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है वो आप ध्यान दीजिएगा। गुरबाज की बात करें,
गुरबाज भाई यहाँ पर ओपनिंग करता नजर आया, विकेट कीपिंग बल्लेबाज है, ज्यादा हार्ड हिटिंग के लिए जाता है, कभी कभी हार्ड हिटिंग के चक्कर में ओवर हिटिंग के चक्कर में आउट भी हो जाता है, लेकिन भाई टेक्निकली साउंडेड बैट्समैन तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक रहेगा। इवन कैप्टनसी वीसी का भी अच्छा ऑप्शन रहने वाला, क्योंकि अगर कंपेयर करें आयरलैंड की तो भाई अभी अगर अफगानिस्तान की टीम की बात करें तो उनके सामने थोड़ी सी वीक नजर आ रही है। हालांकि रीसेंट मैचेस में आयरलैंड की टीम ने बड़ी बड़ी टीमों को टक्कर दिया, हालांकि मैच नहीं जीता है बट टक्कर भाई काफ़ी टीमों को दिया है, और मतलब फिर भी मैं बोलूँगा कि यहाँ पर फेवरेट जो टीम रहेगी ना वो भाई आपके लिए अफगानिस्तान ही रहेगी। यहाँ से अगर बात करें गुरबाज हमारी टीम में रहेंगे, मोहम्मद नबी की बात करें तो भाई ये आपको 2 से 3 ओवर कंप्लीट गेंदबाजी 2 से 3 ओवर डालते दिखेंगे, और हो सकता है भाई 4 ओवर भी डालते नजर आ जाए और आपको नंबर 4-5 पर बैटिंग भी करके दे देंगे, तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। अजरतुल्ला जजाई ओपनिंग करते नजर आएंगे, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। जजाई की बात करें तो ये शायद आपको ना खेलते नजर आए। वहीं अगर बात करें यहाँ पर नजीबुल्ला जादरान की, नंबर 4 पर बैटिंग करेंगे, नंबर 4 कंफर्म होता है इनका ऑलमोस्ट। और भाई यहाँ पर अगर बात करें तो रीसेंट फॉर्म की अगर बात करें तो जो इनकी डोमेस्टिक T20 लीग थी जो हमने कवर की थी, जिसमें एक तरफा विनिंग आपके भाई ने करवाई थी स्पागीजा T20 लीग, उसमें भाई इन्होंने काफ़ी अच्छी स्कोरिंग की थी। अब उनकी वहाँ पर क्या क्या हुआ था उस लीग के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर भाई 2 से 3 चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ से देखिए जो शाहिदी है, इन्होंने भाई उस लीग में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, करीम जन्नत ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, अजमतुल्ला की बात करें इन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, ये 3-4 ऐसे प्लेयर्स हैं जो भाई वहां पर काफी खतरनाक परफॉर्मेंस कर आ रहे हैं। इसके अलावा भाई अगर और बात करें तो और तो यहां पर कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर दिख नहीं रहा, तो यहाँ से अगर बात करें तो ये प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। वहीं अगर बात करें यहाँ पर नीचे चलकर तो जो सैफुद्दीन है ये शायद आपको ना खेलते नजर, करीम जनेत और अजमतुल्लाह इन दोनों में से कोई एक खेलता नजर आएगा, ये कंफर्म बात है। ज़्यादा चांसेज है कि करीम जनेत आपको खेलते नजर आए क्योंकि एक्सपीरियंस भी है और भाई रिसेंट फॉर्म भी इनका काफ़ी अच्छा है। हालांकि यहाँ पर अगर बात करें अजमतुल्लाह का, इनका भी अच्छा है लेकिन भाई इनका थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। राशिद खान मास्टर पिक रही, इवन कैप्टनसी का भी सबसे सेफ ऑप्शन रहेगा इस मैच में। वहीं अगर बात करें नूर अहमद की तो जीएल में नीजीएल में ट्राई कीजिए, मोस्टली चांसेस है कि आपको ना ही खेलता नजर, फिर भी अगर खेलेगा तो आप इन जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा। वहीं अगर बात करें यहाँ पर नवीन उलक की तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है, अभी T20 ब्लास्ट में काफी खतरनाक गेंदबाजी करके गया और तभी भाई टीम में वापसी हुई है, आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। फरीद अहमद की बात करें तो ठीक ठाक प्लेयर, चाहो तो ट्राई कर सकते हो, चाहो तो ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। वहीं अगर बात करें शाहिदी की तो भाई ये अगर खेलता दिखता है तो आपके लिए मास्टर पिक रहेगा। इनका सिलेक्शन काफी कम आपको देखने को मिलेगा, सेम भाई नवीन उलक का भी सिलेक्शन आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, फैजल फारूकी का भी सिलेक्शन आपको काफी कम देखने को मिलेगा, लेकिन ये तीनों के तीनों आपके लिए ट्रंप कार्ड और मस्ट पिक रहेंगे अगर खेलते हैं तो अब चलिए भाई बात कर लेते हैं अपने डेमो टीम की। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं भाई टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बिना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए विनिंग करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। विकेट कीपिंग सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर भाई नो डाउट जो आर गुरबाज रहमतुल्ला गुरबाज है ये हमारे लिए मस्ट पिक रहेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो अगर आप चाहो तो लॉरेन टकर को ट्राई कर सकते हो, अभी रिसेंटली बात करें तो साउथ अफ्रीका सीरीज में काफ़ी अच्छी फॉर्म में थे लेकिन उससे पहले ज़्यादा कुछ खास किया नहीं है तो अभी के लिए ड्रॉप करके चलेंगे। एरी टेक्टर मस्ट पिक, रिसेंटली काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, हालांकि लास्ट सीरीज इनकी भी अच्छी नहीं रही है। पॉल स्टर्लिंग मस्ट पिक रहेगा, नजीबुल्ला जादरान खेलेगा तो मस्ट पिक रहेगा। इसके अलावा हजरतुल्ला जजाई को मैं अपनी टीम में रखूंगा। वहीं अगर बात करें तो आप जॉर्ज डोकरल को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, एक डिफरेंशियल पिक रहेगा, जीएल में नीजीएल में ट्राई कीजिएगा। उस्मान गानी ज्यादा चांसेस है कि ना खेलता नजर, फिर भी अगर खेलता है ट्राई कर सकते हैं। एंडी पालप्रिन जीएल के लिए मस्ट पिक रहेगा, इवन ग्रैंड लीग में आप इसे कैप्टन भी लेकर चल सकते हो। रीजन क्या है, ओपनिंग करता है, कभी भाई अच्छी खासी नोक खेलकर जा सकता है, मतलब एक अच्छा बैट्समैन है। वहीं अगर बात करें एच साइदी अगर खेलता तो आपके लिए मस्ट पिक रहेगा, बट अभी इनके खेलने पर मेरे को डाउट लग रहा है, तो फाइनल टीम की जो अपडेट आएगी टेलीग्राम पर उसमें मैं आपको बता दूंगा कि खेल रहा है नहीं खेल रहा है या इसको लेना है नहीं लेना। वहीं अगर बात करें यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन की तो मोहम्मद नबी हमारे लिए मस्ट पिक रहेगा, कर्टिस कैंपर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए मैं आगे ना आपको बता दूं सेफ जाने वाले बंदे भाई यहाँ पर जॉर्ज ब्रैनली को ट्राई कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं यहाँ से ट्राई कर रहा हूँ जो ऊपर कर्टिस कैंपर दे रखा है इसको। रीजन क्या है कि भाई कर्टिस कैंपर थोड़ा सा ज्यादा इंपैक्टफुल प्लेयर लग रहा है, बाकी अगर आप चाहो तो यहाँ से आप ट्राई कर सकते हो जॉर्ज ब्रैनली को, मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ। बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो भाई राशिद खान मस्ट पिक रहेगा हमारे लिए भाई, अगर बात करें तो यहाँ से आप चाहो तो क्रेग यंग को ट्राई कर सकते हो, या फिर भाई अभी के लिए मैं मार्क
हेडर को अपनी टीम में लेके जा रहा हूँ, हो सकता है फाइनल टीम में कुछ चेंजमेंट मैं आपको करता नजर आ जाऊँ। अगर देखिए यहाँ पर जो अफगानिस्तान की टीम है ये पहले बैटिंग करती है और भाई यहाँ पर आयरलैंड की टीम पहले बॉलिंग करती है, तो मार्क हेडर के साथ साथ जोशुआ लिटिल भी आपके लिए मस्ट पिक हो जाएंगे। वहीं अगर बात करें अगर ये पहले बॉलिंग आती है यहाँ से अफगानिस्तान की, तो भाई उस कंडीशन में हमारे लिए नवीन उलग और फैजल हक फारूकी दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। तो अभी के लिए मैं इन दोनों को अपनी टीम में लेकर चल रहा हूँ। वहीं अगर बात करें कैप्टनसी की, तो कैप्टनसी जो मेरी रही वो राशिद खान के साथ जाएगी। वीसी की अगर बात करें तो वीसी भाई यहाँ पर दो से तीन ऑप्शन है। देखिए एक तो आप यहाँ से हैरी टेक्टर को अपनी टीम में सीवीसी रख सकते हो, ऊपर रहमानुल्लाह गुरबाज को रख सकते हो, नीचे अगर बात करें तो मोहम्मद नबी को रख सकते हो। अभी के लिए मोहम्मद नबी को वीसी रख रहा हूँ, फाइनल टीम में हो सकता है कुछ बड़े चेंजेस मैं आपको करता नजर आ जाऊँ, उसकी अपडेट सीधा सीधा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। अभी के लिए आप इस टीम को सेव कर लीजिएगा, बाकी जो भी चेंजेस होंगे कुछ भी अगर चेंजेस होंगे तो उसके डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मैं टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।